अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो अगेन फ्रॉम मुमरा। वी आर एट हवेली गोट फार्म। माशाल्लाह आपको हवेली गोट फार्म का पहला वीडियो काफ़ी मज़ा आया होगा। होपफुली पलाई के बारे में अभी कुछ बड़े बड़े कोटा देखेंगे हम जो फॉर सेल है देने। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको एक एक बकरा दिखाएंगे इंशाल्लाह। बकरे सब एक ही जैसे क्वालिटी, माशाल्लाह एक ही कलर के बकरे निकाले हमने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम आसिम, कैसे हैं आप लोग? सो भाई एक जैसे बकरे देखने में मज़ा ही आता है। हाँ। वैसे तो ये अलग अलग माँ के होंगे, बाप के होंगे, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन एक जैसा ही है। हाँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट शेड में। जी कौन से बकरे से स्टार्ट करते हैं हम लोग? ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। क्या डिटेल पे बकरा? ये बकरा है 6 दांत पे। जी इसकी हाइट होगी अप्रॉक्सीमेटली 36 इंच। जी और ये बकरा 70 kg पे है, या मे बी मोर देन 70 kg, बट एक अंदाजा है, एवरेज 70 kg। तीनों बकरे 70 kg पे। ठीक है। और ये 6 दांत पे है और ये फ्रेश 4 दांत कर रहा है, गुलाबी बकरा है ये, फुल गुलाबी। हाँ, इसको जरा यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा लूज करो, लूज करो ना, थोड़ा लूज करो, बकरे दिखने चाहिए। रस्सी से पकड़ लो बस। हाँ या माशाल्लाह, अब देखें आप लोग इसको भी थोड़ा लूज करिए भाई, गला वगैरह देख सकते हैं आप लोग। ओ हो, फुल मार्बल सिंह में है बकरा। तो ये दांत में कितना कम एज दिख रहा है मेरे को, कम एज जस्ट किया है, तो मतलब ये बहुत छोटा बच्चा ही अभी है। हाँ ये मतलब बहुत फ्यूचर इसका अच्छा है। आप लोग तो इतने सालों से काम में हो, भले आप खुद नहीं बाहर भी पलवाते थे, पर एक नजरिए की बात है आपको समझ में आता है। आपके हिसाब से क्या इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है? फ्यूचर ब्राइट है इसका। सही है, जैसे वो भराई करके बड़े बड़े बकरे हो जाते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये साल तो मतलब पूरा फ्रेम ये लेगा कंप्लीट, लेंथ और हाइट, जैसे 6-8 दांत तक फ्रेम लेगा। हाँ, इसको मतलब सबर है, ये साल सबर करेंगे, अगले साल ये बकरा तो कुछ अलग ही दिखेगा। सही है, बहुत नायाब चीज है। ओ वाह, क्या बात है, अटैक कर दिया उसने एकदम, लगी आपको थोड़ा? सही, इसके बारे में थोड़ा और बताइए ना। ये बकरा 6 दांत पे है। हल्का लूज करो भाई, लूज करो हल्का। हाँ, बाकी ये गला पट्टी इसका मतलब पीछे से लेके आगे तक पूरा बकरा एक ही जैसा है। और क्या लगता है ये भी अच्छा बनेगा जैसा? हाँ, ये सब बकरे अभी ईद में देखने लायक बकरे रहेंगे, मतलब खुद तो, खा के मुंह से खा रहे सब बकरे अभी तो खा रहे, पर कोई भराई पे छोड़े तो अच्छा है बकरा। अरे फिर बकरा ही बन जाएगा अभी, मतलब इतना भारी है वो, इतना मतलब इसका गर्दन वगैरह शेर जैसी एकदम, माशाल्लाह। ठीक है, ये वाला भी चेक करो आप लोग, अगेन नायाब बकरा। सिंग सबके सही हैं आपके तीनों बकरों के? अल्लाह का शुक्र है कि टूटे हुए बांधते हैं, तो सिंग वगैरह का कभी इशू नहीं है अभी तक के फिलहाल। चेहरा भी अच्छा है इसका, और ये भी अच्छी गर्दन, अच्छे सीने में, पैर भी मजबूत है ना भाई? हाँ सब कंप्लीट है भाई, हम लोग बकरा लेते हैं ना तो मतलब ऐसा पूरा देख के लेते। आप लोग खुर भी देखते हो क्या? मैंने सुना खुर में भी अलग अलग क्वालिटी आती है, कोई बकरे के बड़े खुर रहते हैं। हाँ, किसी के चपटे रहेंगे। नहीं, ये इन लोग के जो खुर देखेंगे ना आप, सबके एक ही जैसे लेवल है। हाँ। मगर इनके पैर देखो आप। हाँ। मोटे पैर। हाँ, कैल्शियम वगैरह पीते हैं ना बकरे, ये तो पैर मोटे, पैर पूरा गेम पैर पे ही है बकरों का। वेट गेनिंग मतलब पैर। हाँ, हाँ, जितना पैर मजबूत रहेगा उतना बकरा भारी निकल लेगा। थोड़ा लूज छोड़ो, थोड़ा रस्सी ये करो, ढीली करो। सही है, ये सबसे खतरनाक यही है। यंग भी है तो उछल रहा है वो ना, वजन भी थोड़ा कम है इनके बनिस्बत। हाँ, अभी कैसा लाइक ये वजन लिए लेंथ लेगा ना वो। हाँ। इसलिए ज़्यादा उस पर हम लोग दाना वगैरह समझ रहा हूँ, नहीं देते वो, जितना खुद खा ले बस। हाँ, एकदम लाइट भाई। रेट आप बताना चाहोगे कि कैसा? फ़ोन पे बताओगे आप? इंशाल्लाह आप कॉल करेंगे तो मैं बता दूंगा। और एक अंदाजे के तौर पे जैसे इसके ऊपर है, जैसे 20-30 हज़ार के ऊपर है, अंदाज़ा दे देंगे? हाँ, ये जो बकरे हैं ना ये 30,000 मतलब अप्रॉक्सीमेटली आसपास में ही है। ठीक है। ये कोटा गुलाबी जैसे कि सामने से ही जो महंगा आता है ना हम लोग, जी जी, तो वो हिसाब से ये थोड़ा स्लाइटली एक्सपेंसिव रहेगा। सही है, बाकी जो शौकीन है उसके लिए तो नायाब चीज़ रहेगी वो। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ये बकरे 30,000 के आसपास के हैं, जो भी रेट होगा भाई इंशाल्लाह फ़ोन पे बता देंगे। बकरे तीनों अच्छे हैं, एग्रेसिव है, ये थोड़ा यंग है, यंग तो ये भी है पर ये थोड़ा अभी वेट ज़्यादा ले लिया है, ये लोग एज के हिसाब से बल्की हो गए हैं। बल्की हो गए, ये क्या थोड़ा यंग है तो ज़्यादा उछल कूद कर रहा है।
वैसे इनको भी छोड़ेंगे तो ये भी करेंगे। थोड़ा लूज करो ना इसको, लड़ाओ मत, बस थोड़ा लूज कर दो। देखो फुल गरम, वो देखो, हालांकि तीनों में से कोई कम नहीं है। देखो ये देखो, ओ माशाल्लाह, मेरे को लगता भराई की जरूरत नहीं है बकरे को, ये मुर्ते खा के ही बन जाएंगे, है ना। ये बकरा तो 100 किलो पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, अगर इस पर सही मेहनत और हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र। इसके लिए काफी टाइम है, सही। आसिम भाई इसकी भी पेटी वेटी बहुत अच्छी है भाई, है ना। हाँ। ये अभी फिलहाल सब मुर्ते खा के ही है बकरे, सही। तो ये 3 बकरे देखे हमने पहली फ्रेम में, और बकरे हैं भाई जो आप लोग को बेचने हैं, ठीक है, तो इनको बनवा देते हैं हम, एंड फिर हम और बकरे देखेंगे। इसके लिए कारोली है मेरे पास में, बड़े वाले जी। कितने कारोली है? 3 कारोली 3। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि फिर हम लोग न्यू हिसाब से कारोली दिखाएंगे सबको। ओके ठीक है, आप दोनों के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये फार्म मुमरा में है, मुमरा में ये जो खड़ी गाँव है, ठीक है, यहाँ पर आपको आना है खड़ी गाँव में। एड्रेस मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप आराम से आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली मज़ा आया आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ बकरे देखेंगे, आई थिंक कारोली देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।